मैं अनुराग चौधरी आप लोगों के साथ ये पांचवा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप सभी जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनका एक बहुत मेजर क्वेश्चन रहता है कि उनको ये तैयारी कब से करनी चाहिए, ये तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो इस बात पर आधारित रहेगा कि आपको अपनी तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, किस स्टेज से शुरू करनी चाहिए, अगली तैयारी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नौकरी के साथ आप तैयारी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इन दो तीन बातों को पे आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। मैं सबसे पहले आप अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने जो तैयारी थी वो कॉलेज के प्री फाइनल ईयर से तैयारी स्टार्ट की थी। कारण ये था कि तीन तीन महीने के दो स्लॉट थे गर्मी की छुट्टियों में, और थर्ड ईयर के एंड में और फाइनल ईयर का जो टाइम मिलता है सेमेस्टर ब्रेक का, उस दौरान मेरे पास समय था तो तैयारी की, उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ। जनरली आइडियली रहता है कि आपका जो भी स्ट्रीम रहे, आप इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, आप कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन करें, तो एक मन में रहता है कि हमको क्या करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो IIT के बाद हमारे बैचमेट्स थे जो हायर स्टडीज़ में गए, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इंडिया के अंदर प्लेसमेंट ले लिया, बहुत सारे लोगों ने MBA किया, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट फील्ड्स ट्राई की। उसमें कुछ एक छोटा सेक्शन ये था जिन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की है। एक बार आपका टारगेट क्लियर रहता है तो फिर उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगेंगे वो सारे एफर्ट्स आपको मिलेंगे। और वही अगर आपको कभी लगता है कि आपको कैट की तैयारी करनी चाहिए, कभी आपको लगेगा गेट की तैयारी करनी चाहिए, कभी आपको लगेगा इसकी तैयारी करनी चाहिए, तो आपका आपके जो एफर्ट्स हैं वो फुली एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो रिजल्ट आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, और आपके या तो आप बोलें तो आपके टाइम का उतना सदुपयोग नहीं हो पाएगा। अगर आप जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है और अगर उनको लगता है तैयारी करें, तो ये बहुत अच्छा टाइम है तैयारी करने के लिए। और जैसे तैयारी करने के सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, जैसे अभी कोविड का टाइम है, ना आपकी क्लासेस चल रही हैं, ना आपकी यूनिवर्सिटीज़ खुले हुए हैं, आपका कोई एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, अगर इतने गोल्डन टाइम का आप यूटिलाइजेशन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपके पास अभी जब कोई व्यक्ति फाइनल ईयर में या फिर ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करता है, उसके मन में बहुत सारे प्रेशर होते हैं। उसको लगता है मुझे जॉब लग जानी चाहिए, मेरे साथ वाले सैलरी अर्न कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फाइनेंशियली भी कुछ अर्न नहीं कर रहा हूँ, और एक प्रकार से मैं घर वालों से फाइनेंशियल सपोर्ट भी ले रहा हूँ। तो कॉलेज से पहले तैयारी करने से यही फ़ायदा होता है कि आपके मन में कोई प्रेशर नहीं होता है, आप फ्रीली पढ़ाई कर सकते हैं, कितनी भी कर सकते हैं। तो आइडियल टाइम तो ये है कि कॉलेज के पहले पढ़ाई कर लेनी चाहिए, स्टार्ट कर लेना चाहिए, और बाद में जब आप कॉलेज के फाइनल ईयर में आएंगे, और जिस प्रकार का मैंने पिछले चार वीडियोस में जो बात बताई है, आप सिलेबस को देखें, आप अपने सीनियर से बात करें, आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखें, आप पुरानी NCERTs को पढ़ें, जब आप ऐसे आपका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अच्छा बनेगा, तो आपका जो सुपर स्ट्रक्चर बहुत बहुत अच्छा बनेगा, और आपका जो तैयारी का आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो भी बहुत बढ़ेगा। इसी दौरान बहुत सारे ऐसे छात्र बोलेंगे कि जो अभी कई ऐसे होंगे जो नौकरी में होंगे या ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया होगा, कि हम तो कॉलेज के दौरान तैयारी नहीं कर पाए, हमने लेट सोचा है। अगर लेट सोचा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया हमको सिविल सर्विस की तैयारी करना है, तो आपको डबल मेहनत से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीशन केवल आपके साथ नहीं है, ऐसे हज़ारों लाखों लोगों के साथ है जो इस एग्ज़ाम को देते हैं और उसके एग्ज़ाम के बाद को क्लियर करने का सपना देखते हैं। तो ये जो बेस्ट टाइम है कोविड वाला, इस दौरान बहुत सारे लोग अपने जॉब में भी नहीं जा रहे होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जिनको कोई ऑफर्स भी नहीं मिल रहे होंगे, तो ये बेस्ट टाइम है आपको पढ़ाई करने का। आप पूरे तन मन धन से पढ़ाई करें, आपका ग्रेजुएशन का नॉलेज का भी आपको सपोर्ट है। जॉब के साथ तैयारी करना एक डबल एक काफ़ी ट्रिकी रहता है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जॉब के साथ भी तैयारी की है, लेकिन जॉब के साथ तैयारी करने का है कि आपके पास जो स्पेस रहता है पर्सनल इश्यूज़ के लिए वो ख़त्म हो जाता है। आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई आपको सॉलिड करना पड़ेगा। मतलब एक बार आप जॉब के साथ कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको जॉब करना ज़रूरी है, तो आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जॉब के साथ आपको देखना पड़ेगा कि फिर आपकी आउटिंग्स उतनी नहीं हो पाएंगी, आप उतने फंक्शंस सोशल फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम तो उतना ही है 24 घंटे में। अगर बिना नौकरी वाला व्यक्ति अगर 15 घंटे पढ़ाई कर रहा है और आपके 8-9 घंटे नौकरी में ही चले जा रहे हैं, तो आपके पास जो 12-15 घंटे बचे हैं उसमें नींद के साथ आपको केवल 6-7 घंटे मिलेंगे, और सैटरडे और संडे को मे भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो आपको हर सैटरडे संडे, हर छुट्टी का दिन, हर कोविड जो अभी अपना जैसे अभी अब एक लॉकडाउन है पूरा कंट्री है, तो ये पूरा टाइम को हमको यूटिलाइज करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको आपके पास पीछे मुड़ के देखने का बिल्कुल समय नहीं है, और आपको अपना तैयारी भी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रखनी पड़ेगी, आपको नोट्स आपके व्यवस्थित होने चाहिए, आपको सिलेबस देख के पढ़ाई करनी चाहिए, और जो बात मैंने पहले बोली थी आपके सीनियर्स के साथ आपका गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए, आपको पुराने पेपर्स देखना चाहिए, आपको NCERTs को पढ़ना चाहिए, और आप जो भी पढ़ाई करें इंटेलिजेंटली पढ़ाई करें। एक जो अगला वीडियो भी मैं जिस पे बात करूंगा, आज जिस पे मैं बात नहीं करूंगा, कि पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए,
इंटेलिजेंटली हार्ड वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं लेकिन एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम में अगर आप इंटेलिजेंट हार्ड वर्क करेंगे तो आपको 20-30% ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो आज मैंने आप लोगों के साथ ये बात की है कि कोचिंग को आप कैसा यूटिलाइज़ करें ना कम, आप जो चौथा वीडियो मैंने आपको कोचिंग वाली बात बताई थी, और आज मैंने आपको बात बताई कि आप जॉब के साथ तैयारी करें या कब से तैयारी करना शुरू करें। और तैयारी के साथ सबसे मेन बात है कि आपको अर्ली नीड है, और अगर कोई ऐसा भी है कि कोई बच्चा 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में है और लाइफ में उसे कुछ भी बनना, वो IIT में जाए, वो मेडिकल में जाए, तो अगर लेकिन अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखता है, जो ऐसे कई छात्र होंगे जो कई स्कूल और कई कॉलेज के जो नए लड़के हैं वो भी फेसबुक पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमको तैयारी में क्या करना चाहिए। बेसिकली जो मैंने सभी को पहले वीडियो में बताया कि आप NCERTs को अच्छे से पढ़ें, लेकिन अगर आप 10th में 11th में 12th में तो जो आपका बेसिक कोर्स है उसी को आप अच्छे से पढ़िए, फिर आपको अलग से NCERTs पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आपका आपका बिल्डअप स्टेज बहुत जल्दी आएगा और आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और आपको अगर लगता है कि कोई ऐसी बात आपको जो जिस पर मुझे बात करनी चाहिए अगर आप मुझे इंडिकेट करेंगे तो उस बारे में भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। और आप सभी छात्रों को आगे तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।